पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं और किस रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के भी हैं, पब्लिशर्स के भी बहुत सारे हैं, मटेरियल की कमी नहीं है। बट हम लोगों के साथ यानी एक लॉ स्टूडेंट एक लॉ कैंडिडेट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो बेचारे उस मटेरियल के अंदर खो जाते हैं। वॉट इज द रिलेवेंट मटेरियल टू क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशन, वॉट आर द मटेरियल्स विच विल बी हेल्पफुल टू क्रैक योर एपीओ एग्जामिनेशन। तो एपीओ का एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपके लिए सफिशियंट मटेरियल क्या है, कितना पढ़ के जाए कि कम से कम मेहनत में आपका एपीओ एक अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाए, कितना पढ़ के जाए और कहां से पढ़ के जाए कि आपके आईपीसी सीआरपी से एविडेंस जो है क्लियर हो जाए एपीओ के लिए, खास करके बिहार एपीओ वालों के लिए। बिहार एपीओ वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिहार जुडिशियल सर्विसेज वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एक अलग हटके पैटर्न रखा है, हम लोग वन लाइनर प्रॉप लेके आ रहे हैं, सिर्फ वन लाइनर, यानी हम लोगों के पास जो मटेरियल होगा वो सिर्फ वन लाइनर होगा। फिलहाल बिहार एपीओ के पर्पज से है, बिहार एपीओ कहें या सीधे कहें कि तीन जो मेजर एक्ट है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस इसके ऊपर बेस्ड है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की भी रेडी हो रही है। तो ये हम लोग जो तैयार कर रहे हैं वो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, वन लाइनर, आपको सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ के समझ के याद कर लेना, दैट्स इट। अगर उसके बारे में आपको ज्यादा जानना है, उसकी डिटेल्स लेने हैं, आपको सिंपली व्हाट्सएप नंबर जो रहता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या वीडियो के एंड में या लास्ट में कहीं भी मिलता है आपको, वहां पर या आपके सामने स्क्रॉल करता हुआ नीचे जो आता है सबटाइटल में, वहां पर आप जाकर के सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो हम लोग फिलहाल मेजर एक्ट जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है और ये बिना रिसर्च के नहीं हो सकता। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी लिया और निकाल के दे दिया, नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर आपको एकदम जो रिलेवेंट मटेरियल है वो हमें देना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे हम लोग समझेंगे, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में फिलहाल बात करेंगे, ओके। चलो पॉइंट निकल के आता है सामने से, रिलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस की रिलेवेंसी फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट वो दिया हुआ है सेक्शन 45 से 48 के बीच में, यानी एक्सपर्ट एविडेंस की रिलेवेंसी होगी वो 45 से 48 के बीच में है। Under Section 45 Indian Evidence Act, Expert Opinion is relevant. So, Expert Opinion कहाँ relevant होता है? तो Section 45 में relevant होगा. Now, an expert under Indian Evidence Act is a person having requisite skill on a matter upon which he is giving opinion. So, यहाँ पर बताया गया है expert कौन होगा? तो expert का मतलब यहाँ Evidence Act के अंदर यहाँ बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट वो होगा जिसके पास रिक्विजिट स्किल होगी उस मैटर के बारे में जिसके ऊपर उसको ओपिनियन देना है। नाउ जो ओपिनियन होता है एक्सपर्ट का, तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रिलेवेंट, कब? ऑन ए पॉइंट ऑफ इंडियन लॉ, इंडियन लॉ के मामले में एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये, इट इज इनकरेक्ट टू से That expert opinion is binding on the judge always. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ये कहना चाहता है कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है वो जज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है हमेशा। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात करेंगे तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, एक्सपर्ट में कौन कौन आते हैं, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट वाले एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट के अंदर आते हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट वाले भी एक्सपर्ट के अंदर आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। नाउ द रिपोर्ट ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर स्टेटिंग द इंजरीज ऑफ द विक्टिम इज रिलेवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। सो मेडिकल ऑफिसर के तरफ से दिया गया रिपोर्ट जिसमें इंजरीज का जिक्र किया गया है, विक्टिम के इंजरीज का जिक्र किया गया है, यानी जिसको हम लोग इंजरी रिपोर्ट कहते हैं, वो रिलेवेंट होगा और एडमिसिबल होगा। नाउ Under Indian Evidence Act, value of medical evidence is only corroborative. Of course, ध्यान देना ये बड़ा important और technical part है। Medical evidence की value क्या है? What is the value of medical evidence? इसका answer आता है कि सिर्फ और सिर्फ corroborative, यानी corroborate करने के purpose के लिए।
ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव इन नेचर। सो एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 जो होता है वो सपोर्टिव होगा और कोरोबोरेटिव होता है इन नेचर। नाउ सेक्शन 45 की बात करते हैं, तो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस। मतलब क्या निकला कि जो डीएनए टेस्ट होगा वो भी सेक्शन 45 के एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर आ जाता है। डिस्प्यूटेड अगर हैंडराइटिंग है तो उसको कैसे साबित किया जा सकता है, तो उसका आंसर मिलता है कि डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग को साबित करने का तरीका है बाय कॉलिंग एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को बुला करके। दूसरा, बाय एग्जामिनिंग ए पर्सन एक्वाइंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द राइटर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, यानी उस पर्सन को बुला करके जो कि राइटर के हैंडराइटिंग से परिचित होगा उसको बुला करके। और तीसरा, कंपैरिजन ऑफ द टू, यहाँ टी ओ डब्ल्यू टू नहीं होगा, सिर्फ टू होगा, टी डब्ल्यू ओ होगा, लाइक कंपैरिजन ऑफ द टू एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। तो दोनों डॉक्यूमेंट जो एडमिटेड और डिस्प्यूटेड है दोनों का कंपैरिजन करके एक डिस्प्यूटेड जो हैंडराइटिंग है उसको साबित किया जा सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, Under the provisions of Section 45 of the Indian Evidence Act, the opinion of an expert can be for identity of a finger impression or identity of handwriting. What it says? बोलता है कि Section 45 Indian Evidence Act के हिसाब से जो expert का opinion होता है वो होता है for identity of finger impression. यानी कि 45 में finger impression आइडेंटिटी का एक्सपर्ट को भी हम ले लिए, और उसके अलावा हैंड रिटन जो होती है आइडेंटिटी, हैंड राइटिंग की जो आइडेंटिटी होती है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी ऑब्टेंड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन रिलेशन टू साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, फिंगर इंप्रेशन एंड हैंड राइटिंग और सिग्नेचर। तो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी ऑब्टेंड अंडर सेक्शन 45, तो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा वो अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट होगा, और वो इन रिलेशन टू साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, फॉरेन लॉ हो सकता है, फिंगर इंप्रेशन हो सकता है, हैंड राइटिंग हो सकता है, सिग्नेचर हो सकता है। तो मीनिंग देयर बाय कि सेक्शन 45 के अंदर जो हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं तो वो इन चीजों के ऊपर हो सकता है, यानी साइंस पर हो सकता है, आर्ट पर हो सकता है, फॉरेन लॉ, फिंगर इंप्रेशन, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर। ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कैन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कोरोबोरेशन। सो इस पे बहुत अच्छी बात कही गई है, ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। सो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन की बात करें तो उसके ऊपर एक्ट किया जा सकता है इवन विदाउट कोरोबोरेशन।